जी, आज में हम ना उस आंटी के घर आ रहे हैं, कुछ काम है। तो जो काम है वो तो आप लोगों को बाद में बताएंगे जी, तो पहले जाते हैं उनके घर, देखते हैं आज वो आंटी जी है या नहीं। और ये जी आंटी का घर आ गए, तो देखते हैं ये लोग आए भी नहीं। आंटी जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी टाइम से मैं आंटी जी के यहाँ बैठी हूँ, और यहाँ जो उनकी बेटी है उन्होंने ऑर्डर की सूट भी सिलते हैं घर बैठ के। तो थोड़ी सी खातून लोग जो गांव की हैं इस तरह से काम कर लेती हैं, इसमें से कुछ घर का राशन का खर्चा भी आ जाता है। ये इनकी ना जो चारों तरफ से है इस तरह से ये लगी है, ये देखिए पौधे लगी है, इसमें फूल आ रखा है, और यहाँ तरह से दीवार इस तरीके से है जी। और ये इनका जो गेट है, और इधर से भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने अच्छे पुदीना आ रखी है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए जो मेरा घर के पुदीना है ना वो बिल्कुल मर गया। मैं सोचा मौसम चेंज होने के लिए, लेकिन नहीं, इनका देखिए पुदीना कितना अच्छा से हो रखा है। और ये देखिए ये जो है अनार का पौधा है, ये देखिए इसमें ना अनार का देखिए फूल भी आ रखा है, और इसमें ना अनार भी आएगा अल्लाह ने चाहा तो। और ये थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर भी पौधे लगी है अमरूद का, आप लोग अमरूद देख सकते हैं, पहले भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी दिखाया था। और ये देखिए अमरूद छोटा सा एक लगा हुआ है। तो आप लोगों को मेरा ये देसी विलेज कैसा लगता है आप लोग लाजमी बताइएगा। और यहाँ पर जी चूल्हा है, आप लोगों ने पहले भी देखे हैं, तो यहाँ पर ना आंटी लोगों ने अभी बनाएंगे खाना, क्योंकि शाम हो चुके हैं, शाम के असर का वक्त है, और नमाज जो असर का है वो हो चुका है। और इस तरीके से उधर भी मिर्ची लगी है, तो ये चारों तरफ से ना इन्होंने जो है पौधे लगा रखा है, और ये माहौल इस तरीके से लग रहा है दिखने में। और यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है ना वो सिलाई का काम कर रही है, और ये सूट का ऑर्डर आ रखा है, और आंटी जी मुझे जो है अभी छोड़ेगी, मुझे मतलब मैं जा रही हूँ दूसरी आंटी के घर। तो अभी फिर ना इंशाल्लाह इनके घर दोबारा आऊँगी तो मैं आप लोगों को फिर मिलाऊँगी। और ये देखिए बाहर का मंज़र कितना खूबसूरत हो रहा है। ये ना वो बफालो है, और ये देखिए ये देखिए कितनी बड़ी भैंस, मैंने इसको सलाम कर रही हूँ लेकिन ये मेरा ना रिप्लाई नहीं कर रहा है। देखिए इसको, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाउ आर यू, ये कुछ बोल नहीं रहा है ना, इसको अभी ये बैठा हुआ है। इतना बड़ा जानवर आप देख रहे हैं, इसके सामने मैं हूँ, और इधर भी है, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए गांव की जो खातून है ये जा रहे हैं मिट्टी को लेके ऊपर, ये देखिए, ये देखिए। आई हूँ मैं ये आंटी के घर में, वहाँ से जो आंटी के घर से आई ना, तो मैं दूसरे आंटी के घर में आई हूँ जिनका जिन्होंने मुझे चूल्हा दिया था। और जी ये इनका घर है, और अभी शाम का ना मगरिब का अजान भी हो गया है,
और कमरे में कोई है नहीं, बस एक मेरी सिस्टर है ये ना बैठी हुई है, ये देखिए। तो ना और आंटी ने मेरे को दिया है एक गिफ्ट, तो वो गिफ्ट जो है वो ये है सूट। तो इन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है, मेरी सिस्टर ने जो ये बैठी है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये सूट कैसा लगा आप लोगों को। तो जी यहाँ पर मेरी सिस्टर ने सूट जो खरीदी है उसके नानी के घर से मिला है ये वाला सूट, तो ये मुझे दिखा रही है। और ये देखिए इसका डिज़ाइन कितना माशाल्लाह प्यारा है। ये ऊपर का सूट है और ये इसका जो है ना सलवार है ये। तो एक दूसरा ये ले रखा है, इसमें ना इस टाइप का लैस लगेगा। तो ये प्लेन सूट है, इसके ऊपर ना ये लेस लगेंगे। और भी दिखा रही है मेरी सिस्टर, ये देखिए। ये देखिए ये कमीज है, ये सलवार है, ये कमीज है, ये सलवार है, और ये चुनरी है। तो ये सब कुछ जो शादी की तैयारी है वही मुझे दिखा रहे थे। 6 तारीख को नवंबर की शादी में इनको जाना है, तो उन्हीं की तैयारी पे लगे हैं। और ये सारे कपड़े जो है शॉपिंग कर रखे हैं। तो ये देखिए जी, एक ये भी पाकिस्तानी सूट जैसा है और इसमें काम किया हुआ है। और ये ना गले का काम है, इसका जो दुपट्टा है वो ये है। तो ये देखिए ये दुपट्टा कितना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। और ये देखिए जी, हमारे पंजाब में ना इस तरीके से कपड़े पहनते हैं। तो इनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, इनका चेहरा दिखाना मना है क्योंकि इनके निकाह हो चुके हैं, इनके शौहर की इजाज़त के बगैर हम इनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। ये क्या है, ये क्या आटा गूंध रहे हो? मक्की का आटा। अच्छा, तो इसका रोटी बनेगी? हाँ जी, इसकी मक्की की रोटी बनेगी। तो देखा जाए गाइस, यहाँ पर ना मक्की के आटे को ऐसे गूंथते हैं। और इन्होंने घर पे ही सेटअप कर रखा है चूल्हे का, ये देखिए ये चूल्हा। तो यहाँ पर ये चूल्हा पे अभी जो बनेगा मक्की की आटा, सॉरी मक्की की रोटी। तो देखिए मक्के की जो रोटी होती है ना उनका भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन इनका गुनने का कुछ तरीका अलग सा होता है। और ये हमारे पंजाब में ना बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे ही गर्मी चले जाती है, सर्दी आना स्टार्ट होते हैं, तो मक्की की रोटी हर गांव में ना पिंड में घर पे बनना शुरू हो जाता है। तो इनको ना पलट दिया है और ये पक रहा है, दूसरे भी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ की जो घर की खातून है इसी तरह से अपना जो है मक्की का रोटी शाम को बनाते हैं। अच्छा जी, इनके साथ आप लोग क्या खाएंगे? साग, सरसों का साग। तो जी अभी से यहाँ पर सरसों का साग और मक्की की रोटी ना खाना स्टार्ट हो चुका है हमारे पिंड में। अच्छा जी, तो आज इनका दाल बने हैं, तो दाल के साथ ही नहीं खाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से बनते हैं। अभी लेना की? मैंने कहा की। अच्छा, मेरी फोटो नहीं, मेरा बहुत सारा है, खराब नहीं है, बहुत खराब है। तो आप लोग समझ ही रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं इनका शौर जो है साऊ नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, बहुत खराब है, ये बोल रहे हैं।
जो लोग पाकिस्तान से हैं उन लोगों को तो पूरा समझ आ रहा होगा जो पेंट का पंजाबी टिपिकल लैंग्वेज है। यहाँ पर ये जो है दाल है और दाल में घर का देसी घी जो है ना वो शामिल करके दिया, साथ में यहाँ पर मक्की की रोटी, मैं भूल जा रही हूँ। तो जी इसको देखिए, पंजाब की पेंट का मक्की की रोटी दाल देसी घी के साथ, ये घर की घी है, मक्खन है, सॉरी मक्खन है, मक्खन। और ये क्या लगा रहे हो आप? मक्खन रोटी के ऊपर। ये मक्खन लगा रहे हैं रोटी के ऊपर। और देखिए यहाँ पर ना, और देखिए जी इन्होंने ना चटनी के साथ खा रहे हैं, ये देखिए इन्होंने चटनी के साथ रोटी खा रहे हैं। शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं यहाँ पर, तो लस्सी भी दे दो, लस्सी भी पीती है रात को, और शाम को भी लस्सी पीते हैं जी। ये देखिए ये घी है, मक्खन है, सॉरी। ये देखिए जी यहाँ पर जो है लस्सियाँ दिया जा रहा है। यहाँ पर ना पंजाब में आपने कभी देखा है पिंड में रात को भी लस्सी पीते हैं? तो यहाँ पर दिया जाता है हमारे पिंड में। ये देखो पर देखिए लस्सी है, ये मक्खन घर का बने है। हाँ जी। और ये देखिए सबसे जो फेवरेट है पाकिस्तान की वो है कड़ी, जो पंजाब में बनते हैं और ये हर घर में बनते हैं। तो यहाँ पर आज कड़ी भी है, ये मक्खन जो है घर का है, और साथ में लस्सी। ये देखिए इसमें चटनी पा रखे हैं, ये है चटनी। और ये देखिए कैसे खा रहे हैं, इसमें मक्खन भी डाल रखे हैं, चटनी भी डाल रखे है, आप इसको ऐसे खाएंगे बस। तो गाइस अभी हमें घर छोड़ने जा रहे हैं फाइनली आंटी लोग, और अभी टाइम हो गया 8:30। तो इन्होंने मुझे रोक रखा था, और ये देखिए अभी बिल्कुल रात हो चुका है हमारे गांव में। तो गाइस यू कैन सी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब इन हम जा रहे हैं घर। तो गाइस अभी ना हम घर पहुंचने वाले हैं, और आज बहुत हो गया लेट, मुझे घर से अम्मी का भी कॉल आ रहा है, तो मैं वीडियो को भी यहां पर एंड कर रही हूं। तो उम्मीद करते हैं आज के पूरा दिन की जो व्लॉग था आप लोगों को अच्छा लगा है, जो मैंने अपना पंजाब की जो पिंड है उसका पूरा रहना सहना और सब कुछ दिखाया है। और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।